एक बड़ी पुरानी कहावत है, भय बिन भाव न उपजे और भय बिन प्रीत न होए। चीनी सैनिक आखिर एलएसी पर अचानक से ऊपर जाने लगे। घबराए चीन ने अब भारत से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जापान, जो खुद टेक्नोलॉजी में बेहद माहिर है, उस जापान को भारत से चाहिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो जापानी सेना को पूरी तरीके से बदल सकती है। क्या भारत इस टेक्नोलॉजी को देगा? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान को अब अपने गुंडई वाले फॉर्म में वापस आना है और इसकी शुरुआत भी कर दिया है जापान ने। जापान ने अपनी जीडीपी का 2% अपने डिफेंस बजट को दिया है, जिसमें वह अलग अलग तरीके की हथियारों की खरीद करेगा। जापान इस वक्त अगर चीन को डरा रहा है तो अपने टेक्नोलॉजी के बल पर ही। लेकिन एक क्षेत्र अभी भी ऐसा है जहां जापान कमजोर पड़ गया है, और जापान कमजोर पड़ गया है किसी और के कारण नहीं बल्कि अमेरिका के कारण। दरअसल अमेरिका के साथ जो संधि की दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसमें सिर्फ अपनी डिफेंस के लिए फोर्स बना सकता है जापान, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। तो ऐसे में हथियार भी आते थे। अब रोबोटिक्स की दुनिया बोले, यंत्र की दुनिया बोले, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया बोले, वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा चुका है जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद। लेकिन एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें इस वक्त कमजोर है जापान, और उसे चाहिए भारत की मदद। जिस क्षेत्र में जापान एक दिग्गज देश नहीं बन पाया, उसे अब हासिल करना चाहता है। क्योंकि अमेरिका ने अपने सामने जो संविधान लिखवाया जापान का, उसमें ये कहा कि जापान अब कोई इस तरह के आक्रामक चीजों को नहीं बना सकता है जिससे कि दुनिया प्रभावित हो। पर अब जापान को इसके लिए भी अमेरिका की परमिशन लेनी होगी। चीन के खतरे को देखते हुए जापान लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बनाने की अपनी पुरानी नीति को छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक हुए जा रहा है, और चीन को अगर समेटना है तो लॉन्ग रेंज मिसाइलें चाहिए जापान को। अब जो जापानी नौसेना है, इस वक्त तक ये नौसेना थी सेल्फ डिफेंस वाले मोड में, मतलब खुद के बचाव करने के लिए जो हल्के फुल्के हथियार है वही रख सकती थी। लेकिन अब जापानी नौसेना को चाहिए लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें। अब जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है चीन, उसको जवाब देने के लिए जापान की मीडिया ये कह रही है कि भारत और अमेरिका से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल लेने की तैयारी कर रहा है जापान, और इसके लिए भारत के सबसे खास मिसाइल पर नजर है जापान की, और वो है पनडुब्बी से दागे जाने वाली वर्टिकल मिसाइल। अब जापान क्वाड संगठन के जो दो देश हैं, अमेरिका और भारत, इन दोनों से बात कर रहा है और ये चाह रहा है कि जापान को ये बनाने का टेक्नोलॉजी और मिसाइल दोनों ही ये देश दे। यानी जापानी नौसेना लंबी दूरी की मिसाइलों से पूरी लैस। लेकिन एक समस्या और है, और वो समस्या ये है कि अमेरिका के निर्देश पर जो जापान ने अपना संविधान बनाया है, अब उसे अपने संविधान में भी बदलाव लाना होगा ताकि वो इस तरह के हथियारों को खरीद सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध में जिस तरीके से परमाणु बम का मार झेला जापानी लोगों ने, जापानी लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं जापान की सरकार का कि आप इस तरह का कोई भी काम न करें जिससे कि फिर से युद्ध की, जंग की बात आ जाए। लेकिन आम लोगों को भी समझना चाहिए कि अपने बचाव के लिए शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा जापान को, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन सीमा पर धराशाही हो रहा है, और धराशाही होने के बाद चीन भारत से गिड़गिड़ा रहा है, इसके भी प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल ये बातें तो हम सभी जानते हैं कि सर्दियां बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं चीनी सैनिक, और पिछली सर्दी में ही कई चीनी कमांडर ऊपर का रास्ता देख चुके हैं। अब इस सर्दियों की शुरुआत से ही धड़ाधड़ चीनी सैनिक गिरते जा रहे हैं सीमा पर। सीमा पर गिरते हुए सैनिकों को जैसे जैसे वापस ले जाया जा रहा है, उनमें से अधिकांश ऊपर का रास्ता देख ले रहे हैं। वैसे तो तीन टॉप लेवल के कमांडर कथित तौर पर हाल ही में अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाए गए, लेकिन उनमें से एक ऊपर चला गया। चीनी सेना के साथ ये बड़ी संख्या में हो रहा है। फिर भी भारत लगातार सेना की तैनाती कर रहा है, हथियारों की तैनाती कर रहा है, और चीन अब ये कह रहा है अपनी फ्रंट रो के सैनिकों को हटाने के बाद कि हमने यहाँ पर
रोबोट्स की तैनाती कर दी है, ऐसे व्हीकल्स की तैनाती कर दी है जो ऑटोमेटिक हो, जो खुद से चलें, और रोबोट्स होंगे जो हमारी तरफ से लड़ेंगे, सेना नहीं होंगे। तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने सेना की जगह रोबोट या ऑटोमेटिक व्हीकल की तैयारी की है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। चीन किसी भी युद्ध के लिए अपने किताब आर्ट ऑफ वार का बहुत अच्छे से फॉलो करता है, और आर्ट ऑफ वार के अनुसार किसी को पहले ही डरा दो, और इसी रूल पर चलता भी है चीन। चीन ये सब कुछ करके एक प्रोपेगेंडा चलाता है कि चीन की ताकत बहुत ज्यादा है, तुम ये मत समझना कि हमने वहाँ से सेना हटा लिया है तो हम हार रहे हैं, तुम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना, हमने वहाँ रोबोट्स लगा दिए हैं, हमने वहाँ ऑटोमेटिक हथियारों को लगा दिया है। पर सच्चाई ये है कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। हथियारों को जमा जरूर कर रहा है, कई तरह के टैंकों की तैनाती भी कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई निकल कर आ रही है कि चीनी सेना अब LAC पर बिना जंग लड़े ही मारी जा रही है। यही वजह है कि सबसे पहले चीन ने अपने फ्रंट रो को बदला है, अब टॉप के कमांडर को पीछे लाना शुरू कर दिया है। चीनी सैनिकों में उतनी ताकत ही नहीं है कि ये सर्दियों को बर्दाश्त कर सके, तो वहीं भारतीय सैनिक अभी भी तैनात हैं, और सियाचिन में जो भारतीय सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं उनके एक्सपीरियंस काम आ रहे हैं, तो वहीं भारत की स्पेशल फोर्स भी तैनात है। इन सब के बीच भले प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा हो चीन, लेकिन अब उसे हालात खराब होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच चीन ने भारत के साथ समझौता करने की बात कही है, और चीन की सरकारी मीडिया ने खास तौर पर भारत से आग्रह किया है कि हम उम्मीद करते हैं अब जो नए लेवल की बातचीत हो रही है ये बातचीत सफल हो, और जल्द से जल्द हम दोनों देशों के बीच सीमा विवाद खत्म हो जाए ताकि हम अपने सैनिकों को वापस ले सके और भारत भी अपने सैनिकों को वापस ले सके। वैसे आपको बता दें, चीन इस वक्त भारत को ये याद दिलाने से पीछे नहीं हटा कि दोनों की संस्कृति एक है और दोनों देश जल्द ही इन समस्याओं को हल कर लेंगे। आपको बता दें, कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन इसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी सहारा ले रहा है ताकि वो किसी भी तरीके से इस मामले को रफा दफा करवाएं, और इसके लिए पुतिन, मोदी और जिनपिंग की एक बैठक कराने की मांग की जा रही है, ताकि इस बैठक के बाद ये फैसला लिया जाए कि चीन और भारत के बीच तनाव खत्म हो गया है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। चीन को अब ऐसा लग रहा है कि इन सर्दियों में एक तो उसके लिए बचना मुश्किल है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जिस तरीके से लगातार मिसाइलों और हथियारों का परीक्षण कर रहा है, चीन अपने आप को तैयार नहीं मान रहा है। पर पुतिन को बीच में लाकर क्या चीन भारत को दबाव में लाकर किसी तरह का समझौता कराना चाहता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।